अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एंड एडवोकेट एमए शहजाद खान साहब, जो कि जफर स्पेशलिस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट, और आप देखते हैं हमारे व्लॉग्स, जो भी करंट सिचुएशन पर सियासत पे जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उस पर एमए शहजाद साहब कैलकुलेशन देते हैं और बताते हैं जफर के ज़रिए क्या होने जा रहा है या क्या हो गया। पिछले दिनों उन्होंने प्रिडिक्शन की थी कि जुम्मे को बहुत बड़ा फैसला आएगा, जो कि हमने देखा कि उमर अताब बंदयाल साहब ने फैसला दिया 2-1 से। इस पर सबसे पहले शहजाद साहब से पूछते हैं कि ये बड़े इत्मीनान से ये प्रिडिक्शन दे रहे थे कि जी ऐसा ही होगा, आप सबने देखा वो इनकी प्रिडिक्शन पूरी, इस्लाम दुआ करते हैं, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शहजाद साहब? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद साहब, बहुत से लोग कमेंट्स में आपको कोई कुछ कह रहा था, कोई ड्रामेबाज कह रहा था, कोई कह रहा था कि ये बाबा जो है एमी, इसको एक्टिंग में होना चाहिए, ये किधर आके पेशेंट गोइयां कर रहा है, इस तरह के कमेंट्स बड़े रीड आप भी करते थे, हमने भी किए। ये प्रिडिक्शन आपकी जो पूरी हुई है, इस पर सबसे पहले उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो नेगेटिव आपको कमेंट्स करते थे ये प्रिडिक्शन पूरी होने पर? अच्छा, इसमें फलक बेटा एक बात ये है जी कि अगर मिसाल है, अगर आपको 50,000 लोग देख रहे हैं तो कमेंट हमें उस पर नेगेटिव 5-6 आते थे। ऐसा ही है, ठीक है, नेगेटिव। तो इसका मतलब उन 50,000 में 5-6 बंदे शरारती थे, ठीक है, वो किसी और पार्टी से, नून से भी हो सकते, किसी और चीज़ से हो सकते, किसी जमात से जो अपोजिट बात करते हो, या कोई मेरे मुखालिफ हो, या जिसके जिनके अंदर जेलसी हो, कुछ ऐसी चीज़ें थी जी। लेकिन मैं ये चाहता था कि यार उनको भी ये चीज़ मिले। तो खैर, मैंने जाहिर है 5-6 महीने से आवाम ने मुझे कहा कि हमें तो खान साहब आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी, कहाँ गई आपकी एपेक्स सुप्रीम कोर्ट, जो नेगेटिव कमेंट करते थे, कितने गई ताड़ी अगस्त सुप्रीम कोर्ट, किधर गई आपकी अदालत उज़्मा। अभी याद होगा मैंने थोड़े दिन पहले, 4-5-7 दिन पहले कहा था कि जुम्मे को आप फैसला देखेंगे। हाँ, और रात को फिर मैं किसी और निजी चैनल पे था, उन्होंने कहा खान साहब अब तो कल आखिरी दिन है, जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कितने क्या ताड़ा फैसला, मैं क्या कड़ाक तनु खावांगा। खान साहब ये क्या कह रहे हैं, मैं कहा चानू टंग भी देना तनू कह दिया, ऐसी कहा था मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट कोई पूरी हुई, ये मेरा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह पाक का मुझ पर करम है जी जी, ठीक है। और खुशी भी है मुझे के, और मैंने रात एक और बात भी की थी निजी चैनल पे कि मैं तुम सारे लोगों को दिखाऊंगा कि तमाम जमातों वाले लोग दोबारा फंस जाएंगे। अच्छा, और आज आपने देखा वो सारे जमात सारे चेहरे, आपको 5 गालबन साबका वजीर आजम, 1 साबका सदर साहब उनका भी। और यार एक बात और मैं करता था कि तुसी कह रहे नवाज शरीफ आन गए, मैं कहा तुसी यह सोचो कि शहबाज शरीफ को तो आन गए, आज आप देख लें शहबाज शरीफ साहब और वो जो हमजा उनका भी नैब में नाम आ गया दोबारा। तो खैर ये पेशेंट गोइयाँ पूरी हुई, और मैं हमेशा ये कहता था कि अगस्त सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला आएगा, हमेशा मैंने कहा, और अभी भी चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और चलें, आपको भी मुबारक हो। चलें जी सर, नहीं अच्छी बात है आपकी प्रेडिक्शन जो थी वो पूरी। और लोग कहते हैं कितने की ताड़ियाँ बाबीला, वो भी आप देख रहे हैं वकला आ गए, कल देखा था आपने माल रोड पर वकील निकल आए थे सारे। तो शहजाद साहब ये प्रेडिक्शन आपकी क्या रुकी हुई थी, कोई मतलब क्या चक्कर था? मैंने तो दिन तक पूरी नहीं हो रही थी, लोग इतने खिलाफ थे आपके, काफी मतलब के लोग कमेंट्स अगर मैंने तो टाइम ही दे दिया था कि जुम्मे को आप फैसला ले लेना, अब तो मैंने टाइम ही दे दिया। सीधी सीधी बात ये थी कि ये कानूनी जंग थी। अच्छा, कानून में अब देखें होता यह है, कभी जज साहब नहीं आए, कभी वकील साहब नहीं आए, कभी प्रोसीजर के हवाले से, कभी डेटें, कभी छुट्टियां भी थी, आपको पता है अदालतों में बड़े मामलात थे, ये एक फाइट होती है, लेकिन मुझे ये पता था ये होना है। अच्छा, एक चीज़ शहजाद साहब मैंने और आपसे करनी है बात, ये सब चीज़ों से हटके है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी हो या ये जफर वाली जो बात हो, इसमें तो एक कहते हैं ना कि आप भी कहते हैं कि मैं अपने इल्म में बदयानती नहीं करता, जो भी चीज़ हो, इस सारे सिचुएशन में क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं, मतलब आपने हमेशा उनको फेवर में ही मतलब के एस्ट्रोलॉजी में रखा है, इस पर आप क्या जवाब देंगे? आप कहते हैं जी कि मतलब के खान ऐसे होगा, खान मतलब नेगेटिव कम बोला, पॉजिटिव खान के लिए आपने ज़्यादा बोला, इस पर आप क्या जवाब देंगे? क्यों नेगेटिविटी खान की आपने नहीं बताई, लोग ऐसा कहते हैं समझते हैं, उनको क्या जवाब देंगे? अच्छा, ये अच्छी बात है, मैंने इल्म में कभी बदयानती नहीं की, ये तो सच है। अच्छा, लेकिन पसंद जो है मुझे खान है, तो जब वो खान जब मुझे पसंद है तो फिर मेरे से अल्फाज ऐसे निकलते हैं अच्छे उसके लिए, तो लोग कहते हैं यार तो वन साइडेड लगता है, एस्ट्रोलॉजी में लोग तो सीधा ये कहते हैं, क्योंकि देखें कुछ चीज़ें पीडीए की भी गलत होंगी जो एस्ट्रोलॉजी से आप बता सकते हैं। लेकिन मैंने अब देखो कभी शाह महमूद कुरैशी साहब की तो नहीं तारीफ की, बोलो मैं पीडीए मैं तो नहीं की,
अब वो जो हैं परवेज इलाही साहब की मैं तारीफ करता हूँ, वो कि वो काफ में थे, लेकिन मैंने कहा था ये इसमें आएंगे, पीटी में आएंगे और वो छोड़ेंगे भी नहीं, वो पेशेंट गुइयाँ तो मेरी सही होती हैं, लेकिन अल्फाज अब मैंने कभी ये भी नवाज शरीफ साहब के मुतालिक तो कभी कोई गलत बात नहीं की, शहबाज शरीफ साहब को साहब ही लगाता हूँ मैं, अब जब मरियम नवाज साहबा है मैंने हमेशा मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का, लेकिन अंदाज ब्याह में थोड़ी होती है बात अप डाउन। अच्छा चलें छोड़ें, अब बात हम असल तरफ चलते हैं, असल बात यह है कि 15 सितंबर तक खान साहब मजबूत, ये आपने कहा था, आज तो 16 हो गई है, ठीक है ना, अब खान साहब कमज़ोर पिच पे जाएंगे। अच्छा लेकिन 15 सितंबर को मैंने ये भी कहा था वो सितमगर बनेगा, तो ये मैंने कहा सितंबर का महीना हो गया सितमगर, जी जी क्या हुआ, बड़ा खड़ाक होया ना आज, मतलब कि जुम्मे को फैसला बड़ा खड़ाक होया। अच्छा भी मैंने कहा था कल कि जुम्मा जो है नून लीग पे भारी होगा, वो तो हमने देखा पहले से ही भारी चलता है और वो आज भारी हुआ। अच्छा खैर, उसके बाद अब मैं एक बात और बताता हूँ कि अक्टूबर जो है ना वो मुज़ाकरात के लिए, अच्छा एक होता है मज़ाकरात एक होता है मुज़ाकरात, पहले होते थे मज़ाकरात, अच्छा मज़ाक ठीक है, अब होंगे मुज़ाकरात ठीक है, और उसमें मैं समझता हूँ सीरियस होगा सारा मामला, क्योंकि अब नैब की चक्की में भी फंसे ना सारे, मुज़ाकरात ही कर लिए कुछ चेंज कर लिए मुल्क को जो चलाना, तो बात यह है कि मैं अक्टूबर में बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ मुज़ाकरात के हवाले से, अक्टूबर में मुझे वकला की तहरीक बड़ी नज़र आ रही है, अच्छा ठीक है, अक्टूबर में जो है 30 अक्टूबर को जो है अगर आप देखें राहु और केतु ट्रांजिट करेंगे, अच्छा अब 30 अक्टूबर को राहु मेन राशि पे जाएगा, अच्छा और केतु जो है वो कन्या राशि में जाएगा, ठीक है, इससे भी इसका बेनिफिट मिलेगा खान को, अच्छा इस वजह से खान को कुछ बेनिफिट इससे जनाब आरिफ अलवी साहब को भी मिलेगा, अच्छा लेकिन 4 नवंबर को कुंभ राशि अपने ही 4 नवंबर में कुंभ राशि में, ठीक है, जो शनि है सैटर्न वो मार्गी में हो जाएगा, जिसका नुकसान शहबाज शरीफ साहब को होगा, ठीक है, जिसका नुकसान जो है वो जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को भी हो सकता है, अच्छा उसकी मार्गी में जाने से, तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन 4 नवंबर के बाद अगर मुजाकरात ना हुए तो फिर आप जमहूरियत को कुछ कमजोर पाएंगे, अच्छा ठीक, क्या कहा जमहूरियत को कमजोर, अगर मुजाकरात नहीं होते 4 नवंबर तो फिर जमहूरियत कमजोर हो जाएगी, आप मुजाकरात का भी काफी अरसे से कह रहे हैं, तो ये कि जी मतलब पिछले महीने से भी आप 2 महीने से कह रहे हैं कि मुझे मुजाकरात नजर आ रहे हैं मुजाकरात नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नजर अभी तक तो नहीं आया, लेकिन अब 4 नवंबर की डेट एम ए शहजाद खान साहब हमें दे रहे हैं कि जी इसमें इनको मुजाकरात नजर आते हैं, अल्लाह करे कि सर और तो फिर क्या होगा, फिर आप प्रॉब्लम मतलब कि फेस करेंगे लोग, मेरे अल्फाजों को समझ अक्लमंद दानश्वर समझ रहे हैं, फिर जमहूरियत कमजोर हो जाएगी, ठीक हो गया, ये एम ए शहजाद साहब की नाजरीन कैलकुलेशन क्या है, जमहूरियत कमजोर हो जाएगी अगर मुजाकरात ना हो तो, और फिर वो जो है जनाब काकड़ साहब जो हमारे वजीर आजम पाकिस्तान है, अच्छे है अच्छा टॉक करते हैं इलम वाले हैं, तो उनकी उधर मुद्दत बढ़ जाएगी, अच्छा ये बता रहा हूँ कितने अरसे तक आपको सोनिया गल कर दी है और तेन सारा तेन लिख के दे दिया, ये साइन करके भी दियो ना, तो एस्ट्रोलॉजर हो ना तुसी, तुसी क्यों साइन करके दिए, साड़ी गलती यकीन नहीं, खड़ाक होएगा जुम्मे नु होया कि नहीं, नहीं वो तो हो गया तो बस आगे भी तो, अच्छा कोई राहु को शनि में केतु को मरगी में भेज के कोई लोगों के लिए भी कुछ अच्छा बताएं कि पेट्रोल सस्ता महंगाई कमी, देखिए मैंने एक बात की थी पूरी आवाम को और ये मैंने कहा था कि अक्टूबर तक इतनी महंगाई होगी कि आप सोच नहीं सकते, बिल्कुल, और ये मैं कुछ 8 महीने 9 महीने से पहले से कह रहा था ऐसे ही, और आपने देख लिया अभी, तो मेरा ख्याल से सुना है कि आज फिर पेट्रोल महंगा हो गया शायद, नहीं अभी तो तजवीज़ कह रही है, हाँ तो वो हो रहा है पेट्रोल बिजली महंगाई फल सब्जियाँ अनाज हर चीज़ महंगा, आपका कितना बिल आया बेटा, जब मैं उन की तेनू दसा तेनू ता लग जाएगा सोने, वैसे कितना है शदा साहब, लोग सुनेगा ता लग जाएगा, लोग कहेंगे वकीलों भी इन्ने पै गए ने, कितने आया फिर भी 1.5 लाख रुपये 1.5 लाख, हाँ जी आपने दोजख में मतलब तार लगाई थी दोजख, नहीं नहीं वो भस्सा आ गया ना, चलो मैं ने दे दिया, मैं कहा चलो हुकूमत के खजाने में चले गए, लेकिन अब बात ये चोरों को तो पकड़ो, बिजली चोरी भी बड़े चोरों को पकड़ा है उन्होंने, हल है कि असी उन कदों तीकर 1 महीना दे देंगे 2 महीने दे देंगे 3 महीने सीखेंगे, अभी भाई बिजली भी नहीं ला रहे,
उसी बार हद तले पखे ला लाओगे। अच्छा, अक्टूबर के बाद आवाम को रिलीफ मिलेगा? मैंने कहा था अक्टूबर के बाद महंगाई जो है कंट्रोल होगी, ये कहा था मैंने, कहा था कम नहीं होगी। पिछले भी लोग देखो, ठीक है ये बेटा 8 महीने, ये कितने महीने हो गए काकड़ साहब को आए हुए? ऐसे मैक्सिमम 1.5 महीना या 2 महीने, समझ लो अभी 6 महीने और तुमने जो है ना ये होंगे अभी कष्ट खाना है। 8 महीने का प्रोग्राम है इस जफर में बता रहा हूँ आपको। चले जी नाजरीन, आपने शहजाद साहब की कैलकुलेशन देखी और इनकी प्रेडिक्शन थी जुमे वाली जो पूरी हुई, और जुमे वाली तो छड़ दे वो तो खो ही गई। और गीत गा रहा सी मैं जनाब, उमर अता बंदियाल साहब जाते जाते तारीख में बड़ा नाम लिखवा के जाएंगे, क्या सी नहीं कहा था। और नाजरीन वो आप सबने देखा हुआ भी ऐसा, और आपने कमेंट सेक्शन में बताना भी है शहजाद साहब की जो कैलकुलेशन थी जो पिछले व्लॉग में है, क्या सी बड़ा मारा दिखाने दे मालिक ने बड़ा खड़ा करेंगे, है क्या सी? बिल्कुल सुनो चलें। अच्छा सर, आपकी इजाजत से कुछ सवाल आदमी है, लोगों को भी हमने टाइम देना है। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नहीद है, मेरी ज़िंदगी में बहुत मसले हैं, प्लीज़ अगर आप कुछ बताओ तो। बेटा इसने कोई तारीख पैदाइश वगैरह कुछ नहीं, नहीद लिखा मेरा नाम, ना वालदा का नाम कुछ नहीं बेटा, आधा ही नाम है। इससे यही मैं आपको एक उम्मीद ही दे सकता हूँ कि इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर के बाद बेहतरी। और दूसरी चीज़ एक तस्बीह पढ़ा करें या खाली को, और वो कसरत से पढ़ा करें। अगर आप उसके अंदर बाकायदगी रखना चाहते हैं तो डेली असर की नमाज के बाद 531 मरतबा पढ़े, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है नजूरा नफीस, डेट ऑफ बर्थ है 9/11/1995, मदर का नाम है रुखसाना। बेटा ये मेरी ग्लासेस दीजिए, अब जरा मुझे दिखाएं क्या लिखा हुआ है नाम। इसका नाम है नजूरा नफीस, पहली दफा ही नाम सुना। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ क्या? 9/11/1995, मदर का नाम रुखसाना, या नाम इन्होंने गलत लिखा हुआ है, नजूरा नाम। अच्छा चले ठीक है, पता नहीं फारसी में नाम है किस में, अरबी में है समझ नहीं। अच्छा चले खैर, बात यह कि इंशाल्लाह 2 साल के बाद बेहतरी। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, मेरी बेटी का नाम आरफा बतूल है, उसका नाम कैसा है? ठीक है, बहुत अच्छा नाम है, AB का कम्बिनेशन है और बहुत तरक्की करने वाली बच्ची है, इंशाल्लाह तरक्की करेगी। नाम चेंज नहीं करना, मुझे बहुत पसंद आई। क्या बात है, प्लीज़ टेल अस इन सिंपल वर्ड्स, वी डोंट अंडरस्टैंड द अदर थिंग, थैंक्स। ये हैं जरीन। चलो ठीक है, बात ये है कि मैं अब ये तो नहीं कि मैं पंजाबी में पूरा प्रोग्राम गीत गाता हूँ, जो उर्दू आपको समझ आ रही है वो सुन लिया करें, जो पंजाबी नहीं समझ आ रही पंजाबी वाले सुन लेंगे। ठीक है, मोहम्मद इकबाल, डेट ऑफ बर्थ 25/4/1963, अपने वाले से जानना चाह रहे हैं। अब मैं एक बात और करता हूँ कि अब ये इंडिया के जो हैं सिख हजरात जो हैं ये मुझे बहुत सुनते हैं, वो कहते हैं खान साहब पंजाबी अच्छी लगी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादा सुनते हैं। पाकिस्तान में कुछ लोग इतराज़ करते हैं कि सर आप उर्दू में गुफ्तगू में ज़्यादा रहें। चलें ये अब क्या था सवाल? सवाल नहीं है, बस ये कहा मेरा मान बनेगा, मकान का मकान बनेगा, आई थिंक आपने महान लिखा हुआ, दिखाएं वो। चलो अपने अकली बसीरत से भी चला करें ना, महान कहाँ लिखा है, कहा मेरा महान बनेगा, मकान है मकान, मेरा मकान बनेगा। ठहरे, मोहम्मद इकबाल, डेट ऑफ बर्थ 25/4/1963, माशाल्लाह उम्र लंबी है इनकी, 60 साल है। अच्छा बात यह है कि इंशाल्लाह अगर आप कोशिश कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं तो ये साल और अगला साल अच्छा है, अल्लाह के ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलजार यास्मीन है, मुझे ऐसा होगा क्या, क्या मतलब आपने सवाल सही नहीं लिखा हुआ, दिखा दो अगर पढ़ ठीक है। नहीं वो नहीं सर, सही लिखा नहीं हुआ, आप दोबारा लिख दें, डेट ऑफ बर्थ के साथ हमें सवाल लिखें ताकि हम आपको जवाब दें। मदर का नाम है जी फरीदा नुमान हबीब, इनका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 22/10/2001, टाइम ऑफ बर्थ 9:45 ऑन थर्सडे। सवाल क्या है, अपने हवाले से जानना चाह रहे हैं। बेटा अच्छा टाइम आ रहा आपका अगला, इंशाल्लाह 4-5 साल अच्छे आएंगे आपके इंशाल्लाह। गुलाम फातिमा, डेट ऑफ बर्थ है 3/7/1983, मदर का नाम बल्कीस बेगम, पैदाइश टाइम नहीं मालूम, प्लीज़ हेल्प मी, मेरा उसमें ज़्यादा फातिमा नाम है, यूज़ में ज़्यादा फातिमा नाम है इनका, अपने वाले से जानना चाहिए। अगला साल इंशाल्लाह बेहतरी है, दूध का इस्तेमाल करो थोड़ा। ठीक है, सलमा नसरीन, 1/1957, अपने वाले से जानना चाहिए। तो माशाल्लाह बहुत बड़ी है ये तो, 57 माशाल्लाह 63, बस सेहत का ही ख्याल करें यही कहूँगा आपको। ठीक है, कामरान शहजाद, वालदा नूर बेगम, तारीख पैदाइश कन्फर्म नहीं है, बहुत मुश्किल हालात में हूँ, प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। बाहर के मुल्क चला जाए कामयाब हो जाएगा।
ठीक है। फरहत यास्मीन 28/12/1991, मदर का नाम मुख्तार बेगम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, अगला साल अच्छा शुरू होने लगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फरीद हुसैन है, डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 1974, वालदा का नाम है सबीरा सुल्ताना। प्लीज़ प्रॉब्लम है, बहुत कुछ बताएं। नाम बताना सर। फरीद हुसैन। बेटा 2 साल हैं, अप डाउन, उसके बाद फिर ठीक इंशाल्लाह। ठीक है। मेरा नाम है वसामा कंबल, डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1977, वालदा का नाम है परवीन है। क्या मेरे ख्वाब पूरे होंगे, कोई बिजनेस कर पाऊंगी, माली खुशहाली मिलेगी? इंशाल्लाह आपकी सोच अच्छी है, बड़ी सोच है, और सोच के मुताबिक प्रैक्टिकल भी होंगी आप, अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की मिलेगी। मेरा नाम पहले था मिसबाह था, अबू ने चेंज कर दिया है, नाम रास नहीं आ रहा था, अब नाम वसमा है, WASAMA कबल, डेट ऑफ बर्थ 2 दिसंबर है। प्लीज़ मेरे बारे में मतलब बताएं। वसमा कमल बहुत अच्छा नाम है, WK का कम्बिनेशन, तरक्की करोगे गरना घबराओ। नाम है रियाज हुसैन 2/4/1982, मदर का नाम है फातिमा। बेटा ये 4-5 साल ज़रा एहतियात से गुजारने हैं, उसके बाद एकदम अरूज आएगा, बहुत बड़ा अरूज होगा। नेक्स्ट है खालिद हमीद, वालदा का नाम रशीदा, 10/7/1979, डेट ऑफ बर्थ 2.5 साल के बाद। अब बहुत हो गया बेटा, मेरा माइंड ज़रा थक गया। लास्ट ले लेते हैं। नाम है फरहत ताहिरा, वालदा कनीज़ फातिमा, 1967, डेट ऑफ बर्थ। यही साल एंड पे इंशाल्लाह बेहतरी, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो गया इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, लोगों की तरफ से आपने उनके सवालात के जवाब दिए। नाजरीन ये था मेरा आज का प्रोग्राम सियासी हवाले से जो हमने शहजाद साहब के साथ किया, और इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम जो आप देखेंगे शहजाद साहब के साथ वो नाम के हवाले से होगा कि आपका नाम क्या ठीक है और किस नाम के साथ किसकी शादी हो सकती है। जैसे कि अगर ए है तो ए की शादी किससे होनी चाहिए, ये वाले टॉपिक भी हम एम ए शहजाद साहब के साथ नेक्स्ट में करेंगे, ताकि आप लोगों को भी रहनुमाई होती रहे, आपको पता लगे कि आपका जो मैच है वो किस हद तक ठीक है। अगर आपका नाम ए से है तो ए का बी के साथ रिश्ता कैसा रहेगा, बी का डी के साथ कैसा रहेगा, ये कंपेरिजन और आपके कमेंट्स पर भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम मतलब करेंगे। और नेक्स्ट आप जो भी लोग देखें, आपकी शादी होगी? नहीं सर। तो आपका भी मैं बताऊंगा किसके साथ मैच करें। जी सर जरूर, मैं पूछूंगा आपसे इंशाल्लाह। ठीक है, जरूर बाकी आपने। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं अपने तमाम व्यूवर्स को ये कहूँगा कि मैं जो फ़ोन हूँ जो रात को पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 7 बजे से लेकर 12 बजे तक सुनता हूँ, तो काइंडली उसमें ज़्यादा फ़ोन कीजिए, क्योंकि आप सुबह कर रहे हो तो मैं कोर्ट्स में होता हूँ, तो वो फिर रानी में सुनता, फिर आप नाराज़ होते कि मैं नंबर दिया है और मैं फ़ोन नहीं उठा रहा, तो वजह ये है। बेबी कोर्ट भी होता है, बता दें जरा, क्लियर कर दें, सोए तो नहीं अदालत में होता है? अच्छा अदालत में होते हैं, ठीक है। नाजरीन जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम.ए. शहजाद साहब को दें इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।